आज हम देखेंगे रबर डाई का प्रोसेस कैसा होता है। तो ये मेरा स्टाइल का डाई का प्रोसेस है। जैसे होता है ना, जो डाई ऐसा ही करना है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। तो अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग टाइप का डाई का प्लान्स जो पार्टीशन होता है वो बनते हैं। तो मेरा हिसाब से ये डाई मैंने बनाया है। तो ये अभी ये जैसे मिट्टी का प्लान्स लगा के पॉलिश वगैरह देके, अभी ये सिलिकॉन का डाई होगा ना। तो अभी ये फर्स्ट लेयर चढ़ेगा इसमें। ऐसा करके करके हम कम से कम 6 लेयर का तो मरना ही है। अच्छा क्वालिटी रबर आई है। देखिए फर्स्ट लेयर अभी होगा। अभी वो जो छेद अंदर दिया है हमने प्लांट्स का साइड में, प्लांट्स के ऊपर में, वो बेसिकली लॉकिंग के लिए, जैसे डाई इधर उधर हट ना जाए, इसलिए दिया हमने। मान के चले ऐसा करके ब्रश से 1 लेयर कंप्लीट हो गया। तभी इसके ऊपर फर्स्ट लेयर और लगाएंगे, साथ में बैंडेड भी आएगा। जैसे 4 लेयर होने के बाद 1 लेयर बैंडेड देंगे, फिर 2 लेयर अब मरेंगे आपका ऊपर में रबर। देखिए अभी जैसे पूरा कंप्लीट हो गया है, ये हमने 4 लेयर किया है। इसके ऊपर अभी बैंडेड देंगे। ये बैंडेड है, कॉटन का बैंडेड जो आता है, तो ये हम मार देते हैं। ठीक है, जैसे पैर से बटन आए। ऐसे हर जगह पूरा बैठा देना है। पूरा जब हो जाएगा फिर इसके ऊपर और 1 लेयर रबर मारेंगे, फिर आएगा कवर। तो बैंडेड होने के बाद 1 लेयर चढ़ाया हमने, फिर अभी ये फाइबर का कवर आ रहा है। ये फाइबर का जैसे मैट देके, रेजिन देके, जो और भी मेरा वीडियो है वो भी जाके देख सकते हैं। तो पूरा वीडियो में पूरा कब तक करना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं अभी। तो एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है कवर के साथ। अभी दूसरा लेयर सेम टू सेम ऐसे रबर चलाना है बैंडेड, फिर आएगा कवर फाइबर का। अभी बैंडेड चला रहा है, पूरा कंप्लीट है। फिर अभी इसके ऊपर वो कवर चढ़ेगा, फिर जैसे नट बोल्ट का होल करके और फिनिशिंग करके पूरा डाई तैयार है। अभी फिनिशिंग हो रहा है। तो देखिए पूरा डाई कंप्लीट हो गया है। अभी ये हम रिलीज कर रहा है। हम डाई ज़्यादातर शॉर्टकट में बनाते हैं, जैसे फ्लांस कम आए और फिनिशिंग अच्छा रहे और कास्टिंग में भी आसानी होता है। तो हम डिज़ाइन के हिसाब से जे किस में जल्दी कास्टिंग होगा, किस में अच्छा फिनिशिंग आएगा, उसी हिसाब से बनाते हैं। ऐसा नहीं जो हार्ड डाई 2 पार्ट पे बनाए, एक पार्ट पे बनाए, वो पार्टी के हिसाब से देखना पड़ता है जो उनको क्या बजट है, किस रेंज में चाहिए। ठीक है ना। अभी देखिए मैंने 1 पार्ट का डाई बनाया लेकिन अलग स्टाइल में। जो ऊपर में कोई निशान नहीं आएगा, तो ऊपर में कोई पार्टीशन नहीं लगाया हमने। ये देखिए पूरा तैयार हो गया है, पूरा डाई कंप्लीट है। माल जैसा का ऐसा था, ये कवर है और ये अंदर का सिलिकॉन है डाई है। और ये कास्टिंग का पहले कवर में बैठना है, नट बोल्ट देना है और कास्टिंग करना है। रेजिन कास्टिंग जैसे होता है, रेजिन कास्टिंग कैसे होता है मेरा और भी वीडियो डाला हुआ है, वो जगह चेक कर सकते हैं आप लोग। देखिए कवर आ गया। देखिए पूरा जितना सारा पार्ट है एक साथ लगाने का और अंदर माल दे के घुमाना है। जो भी जैसे रेजिन कास्टिंग जो करते हैं उन लोगों को पता ही है। ठीक है, देखिए पैर का 4 होल है, 4 होल से माल डालना है और घुमाना है। ये बेसिकली रेजिन कास्टिंग के लिए, इसमें फाइबर कास्टिंग नहीं होता है। रेजिन कास्टिंग, वॉक्स कास्टिंग, आपका सीमेंट कास्टिंग भी आ जाएगा। अंदर माल डाल देना है, सॉलिड आ जाएगा। पूरा डाई एकदम कास्टिंग के लिए पूरा रेडी है। ये डाई, तो ये डाई बेसिकली आंध्र प्रदेश से उन्होंने ऑर्डर दिया है। 2 पीस था, एक बड़ा पीस छोटा पीस दोनों का डाई बनाया हमने। पूरा डाई कास्टिंग के लिए रेडी है। उन्होंने ऑनलाइन से ही ऑर्डर दिया है यूट्यूब में वीडियो देख के, तभी पूरा डाई कंप्लीट है। ये पार्सल करके भेज देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।